वेलकम स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ बायो में हम सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था ओव्यूल के जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उसकी माइक्रोपाइल की पोजीशन के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम कुछ और बेस देखते हैं, जैसे इंटेग्रमेंट का आपको बाई टेक्निक यूनिट टेक्निक बताया था न्यू सजेस के बेस पे, या माइक्रोपाइल वाले भी देखेंगे, उनके एग्जांपल्स यहां मैंने लिखे हुए हैं वो आपने याद करने हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन द इंटेग्रमेंट। इंटेग्रमेंट स्टूडेंट्स क्या होती है, जो बाहर की जो लेयर्स होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो उनकी बेस पे मैंने आपको शुरू के लेक्चर में भी बताया था क्या, ओव्यूल में अगर सिंगल इंटेग्रमेंट है, एक लेयर है इंटेग्रमेंट की, उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिटेक्निक। यूनिटेक्निक एग्जाम्पल इसका बताया था हायर डाइकोट्स। अगर दो लेयर है इंटेग्रमेंट की तो उनको क्या बोलते हैं, बाइटेक्निक। इनका एग्जाम्पल क्या था, मोनोकोट एंड प्रिमिटिव डाइकोट। अगर किसी ओव्यूल के अंदर इंटेग्रमेंट है ही नहीं, एब्सेंट है इंटेग्रमेंट, तो उनको क्या बोलते हैं, एटेक्निक। और ओलेक्स एंड लीरियोसोमा इसके एग्जाम्पल है, याद करने आपने। दूसरा जो यहाँ पे है, ओव्यूल ऑन द बेस्ड ऑन द न्यू सेलस। न्यू सेलस जो इंटेग्रमेंट के अंदर लेयर होती है बिल्कुल एम्ब्रियो सेक के साथ, याद होगा ये एम्ब्रियो सेक है, इसके बाहर की जो पूरी जो लेयर होती है क्या होती है, न्यू सेलस। तो न्यू सेलस क्या प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन, आपको बताया था एक एक फंक्शन। तो अब न्यू सेलस के बेस पे भी ओव्यूल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एनिन्यूसेलेट एंड कैसिन्यूसेलेट। का मतलब क्या, न्यू सेलस आइदर लेस डेवलप्ड और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर। अगर न्यू सेलस जो है वो कम डेवलप्ड है या सिंगल लेयर या पूरी तरह डेवलप नहीं है, वो या सिंगल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल लेते हैं, टेन्यूसेलेट। और किसके अंदर मिलता है, ये जो गैमोपेटेली ग्रुप होते हैं उनके अंदर मिलता है। दूसरा कैसिन्यूसेलेट, इसमें क्या है, इसमें मैसिव बहुत ज्यादा न्यू सेलस की दो तीन लेयर होती है, काफी सारी न्यू सेलस की लेयर होती है, वो क्या पॉलीपेटल एंड द मोनोकोट के अंदर मिलते हैं। ये डाइकोट का ही है, ठीक है, याद रखना है। और ये मोनोकोट के अंदर भी मिलता है और डाइकोट के अंदर भी मिलते हैं ये। तो न्यू सेलस की डेवलपमेंट के बेस पे सिंगल है तो क्या है, टेन्यूसेलेट, और डबल ट्रिपल है तो क्या है, कैसिन्यूसेलेट। ये स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन की याद करनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द माइक्रोपाइल। कल हम लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर आपको सारे डायग्राम मैंने पहले बनवा दिए थे। इसके पोजीशन देखी होगी माइक्रोपाइल की, किसी में सीधा है, किसी में टेढ़ा है, थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है, ट्विस्टेड हो गया है, उनके बेस पे ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्किनोट्रोपस। सर्किनोट्रोपस जो होता है ये ओव्यूल, छह टाइप के ओव्यूल से प्रेजेंट होते हैं। इनके डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको अलग अलग बनवाए हैं, इनके एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। ऑर्थोट्रोपस जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलता है, पॉलीगोनल जो होता है उसके अंदर मिलता है, पॉलिगेसी फैमिली। एनाट्रोपस तो मतलब मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा अभी चैप्टर में भी हमें यही करना था, मोस्ट कॉमन जो होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। हेमिएनाट्रोपस का एग्जांपल यहाँ पे लिखा प्रिमुला। कैंपाइलोट्रोपस का एग्जांपल लिखा हुआ है, हेविसी फैमिली के अंदर मिलता है ये, इनके एग्जांपल याद करने आपको। एम्फीट्रोपस लीमा, पॉपी, मिराबिलस। सर्सिनोट्रोपस जो है अपंचिया, देखा होगा डिजर्ट प्लांट होता है, तो ये अपंचिया इसका एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर का क्या करना, इनको पूरी तरह से इनके एग्जांपल्स अपने कॉपी पर आपके जो नोटबुक है उसके ऊपर नोट करने हैं और याद करने हैं, जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम में तो पूछा जा सकता है, बट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका नीट का होगा वहां पर इनमें से कोई एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसको करना है अच्छे से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है, जो मेगा सबफैमिली होगा, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर के हम स्टडी करेंगे। अभी आपने ओव्यूल तक के पूरे टॉपिक अच्छे से रीड करने हैं। ओके, थैंक यू।